स्वागत करती हूं आपका एम4ई न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हूं अंशु। अल फारूक इंटर कॉलेज में खड़ी 5 स्कूली बसों की आगजनी में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत। जी हां, सिद्धार्थनगर जिले के एक इंटर कॉलेज की 5 स्कूली बसों को कुछ अराजक तत्वों ने आग के हवाले कर दिया। स्थानीय पुलिस इस मामले में अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर जांच में जुट गई है। देखिए हमारी खास खबर। 26-27 की रात में कुछ अराजक तत्वों ने साजिश के तहत उनके स्कूल के बसों के टायर और बॉडी के साथ भीतर की सीटों को आग के हवाले कर दिया था। 2 बसों में तोड़फोड़ भी की गई थी। प्रबंधक ने बताया कि थाने पर कई बार दौड़ने के बाद उनकी तहरीर ली गई और FIR के बाद भी अभी तक पुलिस ने कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की है। अल फारूक स्कूल की बसों में आगजनी की इस घटना से हर कोई हतप्रभ है। जिले के सपा नेता जमील सिद्दीकी ने इस घटना का माहौल बिगाड़ने की साजिश बताते हुए जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। इस मामले में इटवा सर्किल के CO श्री यश त्रिपाठी ने बताया कि इटवा थाने में मिली तहरीर को संज्ञान में लेते हुए अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मामले की जांच कर जल्दी दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सिद्धार्थनगर से अल फारूक इंटर कॉलेज में कुछ बसें जलाई गई थी, इसको लेकर के आप SP से मिले थे, क्या मामला था? देखिए, मामला बहुत गंभीर है क्योंकि वो 30 साल का पुराना इदारा है और उसमें जो है क्या नाम है, रात में संज्ञान में आया कि 4-5 बसों को आग लगा दिया गया, जिसको लेकर के काफी लोगों को भी स्थिति बनी थी। इसकी गंभीरता को समझते हुए हमने कप्तान से मुलाकात की और कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्द इसकी जांच करके और हम उसको सामने लाएंगे, जो भी अपराधी होंगे उनपे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर कुछ कार्रवाई नहीं होती है, कुछ लोगों का आरोप गिर सकता, दल के दबाव में कुछ पुलिस कार्रवाई नहीं करे, फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए, पहले तो हम इसकी मजम्मत करते हैं कि शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में ये घटना घटी है और अगर ऐसा सुनने में आ रहा है तो ये घोर निंदनीय है। स्वयं मंत्री को इसमें आगे आकर के और इस पर जांच करानी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर प्रशासन या पुलिस प्रशासन ने इसको गंभीरता पूर्वक देकर के और कार्रवाई नहीं की तो हम सब इसमें आगे आकर के और मजबूर होंगे आंदोलन करने के। इटवा थाने के अमोना ग्राम स्थित अल फारूक इंटर कॉलेज के कैंपस में खड़ी बसों को 26 जुलाई 2020 की रात्रि में कुछ अराजक तत्वों द्वारा नुकसान पहुंचाया गया है। इस घटना के संबंध में कॉलेज प्रबंधन द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर आज इटवा थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सर्विलांस टीमों और हम लोग अपने लोकल इंटेलिजेंस के द्वारा यह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि अब यह घटना किसके द्वारा कारित किया गया है, यथाशीघ्र दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। कल हम लोगों को 4 बजे के बाद उधर जो देखने की जो गई बिजली तो देखा कि गाड़ियां चल रही हैं, जल्दी से पहले पता नहीं चलता है, मगर ये रात का वाकया है, रात में किसी ने जलाया है किसी तरफ से आकर के और गाड़ियों में टायर में कोई चीज़ें रख करके और उसको जलाने की कोशिश की है जिससे गाड़ियां जली। कितनी गाड़ियां लगभग जली होंगी? 3 गाड़ियां जली हैं, 3 गाड़ियां, एक गाड़ी तो बहुत ज़्यादा जल गई है मगर 2 गाड़ियों का टायर जला है और 2 गाड़ियों का शीशा तोड़ा है। मैंने थाने पर शाम को लेकर के गए दरखास्त तो उन्होंने कहा कि सुबह आइए और हम जो वहाँ ड्यूटी पर थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं लेंगे, आप बड़े साहब से दीजिए, और बड़े साहब शाम को नहीं मिले, सुबह मिले, सुबह भी नहीं मिले, बल्कि सुबह 1.5 घंटा बैठने के बाद फिर उन्होंने एक दीवान जी मिले और उन्होंने पूछा क्या काम है, कहा ये किस तरह की चीज़ें हैं और उसके बाद उन्होंने दरखास्त दे ली कि हाँ बड़े साहब को दे देंगे। अपने आसपास की छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल का आइकन दबाएं जिससे हमारी सभी खबरें आपको टाइम पर मिलती रहें। आप अपने सुझाव हमें कमेंट कर बता सकते हैं।